नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। फटाफट खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के हम साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार पर कांग्रेस ने अटैक किया है। निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी दलों को समान अवसर मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद सोनिया गांधी ने संबोधित किया, जयराम रमेश को आपने सुना, राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो हुआ वो बहुत चिंताजनक है, हमारा खाता बंद हुआ ताकि हम बराबरी से चुनाव ना लड़ पाए। तो तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और सरकार पर लगाए गए। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विज्ञापन में भी बीजेपी ने एकाधिकार बना लिया है। वहीं बीजेपी को 56% चुनावी चंदा मिला है, इस बात का भी जिक्र किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि वो 20% भारतीय आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको उनकी पार्टी को पूरा हक नहीं मिल रहा है। चंद लाख रुपयों की वजह से करोड़ों का जुर्माना उनकी उन पर लगा है। और ऐसे में जब कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हुए थे, उस बात का भी जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया गया। राहुल गांधी वो 20% भारतीय आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको उनकी पार्टी को पूरा हक नहीं मिल रहा है। चंद लाख रुपयों की वजह से करोड़ों का जुर्माना उनकी उन पर लगा है। और ऐसे में जब कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हुए थे, उस बात का भी जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले हमारे खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, सरकार कांग्रेस के खिलाफ अपराधियों की तरह बर्ताव कर रही है, हम चुनाव में बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा खाता फ्रीज कर दिया गया, हम पर जुर्माना इतना लगा दिया गया है, आयकर विभाग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने इस दौरान चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे खाते फ्रीज हुए थे तो चुनाव आयोग कहां था, कोर्ट कहां था, सरकार कांग्रेस के खिलाफ अपराधियों की तरह बर्ताव कर रही है, उस तरह का काम कर रही है और हम पर इतना ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गंभीर है, यह बात सोनिया गांधी ने कही। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहती है मोदी सरकार, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी लाना चाहती है और एक क्रिपलनेस फाइनेंशियली लाना चाहती है ताकि चुनावों से पहले पार्टी पैसे का इस्तेमाल ना कर सके, जो एड्स के लिए पैसा इस्तेमाल होता है उनके लिए स्लॉट ना बुक करा सके। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस आज उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें कि गुजरात के 15 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के 7 प्रत्याशियों के नामों पर भी मुहर लग चुकी है, तो संभवतः तीसरी सूची में उनके भी नाम हो सकते हैं। वहीं राजस्थान में भी 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं सूची में। दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस चुनाव समिति की एक बैठक है और उसके बाद ये खबर सामने आ सकती है कि कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दी। हालांकि इससे पहले 2 सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की जा चुकी हैं, जिसमें 74 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और अब उम्मीद की जा रही है कि तीसरी सूची में भी राजस्थान के साथ, इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ उम्मीदवारों के नामों के ऐलान किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आज 3:30 बजे कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की एक बैठक है, उस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और संभवतः उस बैठक के खत्म होने तक तीसरी सूची भी सामने आ सकती है, जिसमें राजस्थान महाराष्ट्र के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं और संभवतः कुछ अन्य ऐसे राज्य हैं जहां प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं और उनके नाम भी इस सूची में देखने को मिलेंगे, जिसमें गुजरात के 15 उम्मीदवारों की बात कही जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी 7 प्रत्याशी, राजस्थान में 7 उम्मीदवारों के नाम लगभग कांग्रेस की तरफ से फाइनल कर लिए गए हैं।